हम नया कविता सीखेंगे, इसका नाम है एकता में बल। ठीक है, एकता में बल। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बोलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब बाई बाई, नहीं किसी से लड़ते हैं हम, नहीं किसी से डरते हैं हम, सेवा करते भारत माँ की, विपदा करते भारत माँ की, विपदा हरते भारत माँ की, मिलजुल कर हम काम करेंगे, देश का ऊंचा नाम करेंगे, इस कविता का नाम क्या है, एकता में बल। ठीक है, ताकि सब लोग एक हो, साथ में रहेंगे, साथ मिलजुल कर करेंगे, कुछ भी काम आसान हो जाता है और देश की खातिर हम सब लोग करेंगे, है ना। तो एक और बार सुनाएंगे हम, कविता का नाम है एकता में बल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप ऐसे भी कर सकते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब बाई बाई, नहीं किसी से लड़ते हैं हम, नहीं किसी से डरते हैं हम, सेवा करते भारत माँ की, विपदा हरते भारत माँ की, मिलजुल कर हम काम करेंगे, ऐसे भी कर दिखा, मिलजुल कर हम काम करेंगे, देश का ऊंचा नाम करेंगे, ओके। तो अभी आपकी दो दो कविताएं हो गई हैं, ये दोनों कविताएं आपको सीखनी है, जो असेसमेंट आ रही है इसी महीने के लास्ट में है ना, आपको पता है ना, डेट शीट आपको मिल जाएगी दो दिन में। ठीक है, डेट शीट आपको दो दिन में मिल जाएगी, उसमें सिलेबस होगी, तो ये कविता भी है, उसमें आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, ओके, यस। तो हमने पिछली बार क्या सीखा था, हमने रंगों के नाम सीखा था, याद है, सीखा कि नहीं, आपने बनाया प्लग कार्ड्स, तो अपने सामने ये वाला प्लग कार्ड दिखाइए और बोलिए उसका रंग का नाम, लाल, लाल। और ये वाली कौन सी है, बनाइए फिर, ये कौन सी है, पीला। आज हम सीखेंगे दो, और बच्चे आप लोग चुप रहो, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, चुप रहिए, मम्मी पापा के साथ बात नहीं करेंगे आप लोग, ओके। आज हम सीखेंगे दो और रंगों के नाम, एक है नीला, एक है हरा। ठीक है, नीला रंग का कुछ चीजों को बताइए आप, हाँ,
है। नीले में क्या क्या है बच्चा? नीला आकाश, आसमान, आकाश, ठीक है, या नीला गगन बोलते हैं। कभी कभार नीला आकाश की परछाई पानी में गिरती है तो पानी भी नीला दिखता है ना? यस, आपने देखा है जिस जगह में पोल्यूशन नहीं है, जो पानी क्लियर है, वो आकाश की परछाई दिखा देती है और वो पानी भी नीला नीला दिख जाती है ना? हाँ, बाकी ज्यादातर है नहीं जो चीजें आप बोल सकते हैं, सारे ड्रेसेस में होंगे या आइसक्रीम्स में होंगे, है ना, या आपके खाने के बाकी चीजों में होंगे, पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो नीला कलर की सोच नहीं सकती मैं। आपको कुछ याद आ रही है तो आप बता देना, ठीक है? ठीक है, अभी हम देखेंगे हरा रंग। हरा रंग के बहुत सारे चीज हैं, इसके बारे में बताइए क्या क्या चीजें हैं। सब्जियां, वेरी गुड, पत्तों के सब्जियां और बाकी सब्जियां, सब्जियों का नाम बताओ। मिर्ची, पालक, कैप्सिकम, फिर बीन्स, हाँ, आंवला, लाइट ग्रीन। और आपने देखा नहीं है पेड़ों में जो पत्ते होते हैं वो सारे हरा रंग के होते हैं, ठीक है? अभी ठीक है अभी हम देखेंगे ये तीनों कलर के बारे में। कुछ आइडिया है, कहीं देखा है साथ में ये तीनों कलर? ये तीनों कलर साथ में, ये तीनों कलर आपने कहीं देखा है साथ में? किसने बोला ट्रैफिक लाइट? नाम बताओ। मैं क्या पूछ रही हूं, जो बच्चा ट्रैफिक लाइट बोला है कौन है वो? ओके ओके, नहीं आ, बेटा उस बच्चे का नाम पिंकी है क्या? नहीं, बच्चे का नाम बताओ। हाँ, नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड अथर, ओके वेरी गुड अथर। तो ये ट्रैफिक लाइट में देखे हैं आप लोग ने, तो रेड कलर का मतलब क्या होता है ट्रैफिक लाइट में? रेड कलर किसके लिए होती है? स्टॉप, ओके। और ये हाँ, गो स्लो या गेट रेडी, ठीक है। और ये गो, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा है अभी? आपको चार रंगों का नाम आती है ना, ये बोलिए बोलिए, नीला, लाल, पीला, हरा, वेरी गुड। तो हमने चार रंगों के नाम सीख चुके हैं, ठीक है। प्लग कार्ड्स बना लेना इन चारों का, इन चारों के प्लग कार्ड्स बनानी है ताकि हम असेसमेंट में जब पूछेंगे कि ये कलर दिखा दो तो आपको वो उठा के बोल के दिखाना है, ओके। अभी आज हमारी एक और चीज है, हम लिखेंगे। हमने दो अक्षर वाले शब्द सीखे थे, है ना, तो उसमें से एक और अक्षर शब्द बनाएंगे हम, जो है, अभी पहले बोर्ड देखो फिर लिखना शुरू करना, ठीक है। डेट लिखना है आपको पहले, उसके अलावा देखो यहाँ पर क, बोलिए अथर, यहाँ देखो अथर, बातें कम करो और यहाँ देखो क प्लस प, कप,
कप, ठीक है। तो कप का चित्र बनाएंगे और इसी को हम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे क प्लस प इज इक्वल टू कप। अभी लिखना शुरू कर लो। अभी दिख रही है अच्छे से? तो दोबारा लिखेंगे क प्लस प कप। ग प्लस र इज इक्वल टू गर, ठीक है। फिर हम घर बनाएंगे। वो बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी लिखो अच्छे से, सुंदर से कलर करके। अपूर्व आप लिखो पहले, चित्र बाद में बना लेना। ठीक है, लिखे अभी ग प्लस र इज इक्वल टू घर। फिर से ग प्लस र इज इक्वल टू गर। अभी दो शब्द आज हुए हैं, आपको दो पेज का काम मिला है आज, है ना। क प्लस प कप, एक पेज पूरा आपने लिखा, चित्र बनाया और लिखा। और अगला पेज में आप लिखेंगे ग प्लस र घर, घर की चित्र बनाएंगे और घर, ग प्लस र घर, ग प्लस र घर, ठीक है।